स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास फाइव का हिंदी विषय करेंगे पार्ट वन से। यहाँ देखते हैं, पार्ट वन में है हिंद देश के निवासी, यानी कि हम लोग सभी भारत देश के क्या हैं, निवासी हैं, वासी हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। इसका भावार्थ यह है कि हम लोग सभी हिंदुस्तान के निवासी हैं, पर सभी लोग क्या हैं, एक हैं। चाहे उनका रंग गोरा है, काला है, रूप अच्छा दिखता है, वेशभूषा यानी कि पहनावा, भाषा, ये सब अनेक हैं, लेकिन सब हम लोग क्या हैं, एक हैं। दूसरा में है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। इसका अर्थ है, बेला का फूल, गुलाब का फूल, जूही, चंपा, चमेली, सभी फूल अलग अलग हैं। सभी फूल क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जब इसे हम एक माला में गूँथ लेते हैं तो यह सब क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तीसरा पैराग्राफ में कह रहा है, कोयल की कूक प्यारी, कोयल जब कूकती है तो उसका तान, और पपीहे की टेर प्यारी, जब पपीहा बोलती है तो उसका तान अलग है, और गा रही तराना बुलबुल, यानी कि जब बुलबुल गाती है तो उसका तराना क्या होता है, अलग होता है, लेकिन सभी का राग क्या है, एक है। सभी का बोली अलग अलग होगा, लेकिन सभी का राग जो होता है वो सब क्या होता है, एक होता है। चौथा पैराग्राफ में है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। इसका अर्थ है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी सभी नाम क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जब यह सभी नदी सागर में मिल जाती है तो वहाँ पास पता नहीं चलता है कि यह पानी गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का है, कृष्णा का है, कावेरी का है या फिर किसी और का है। वहाँ सब क्या हो जाता है, एक हो जाता है, सब मिलकर एक बन जाता है, एक हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ में है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। यहाँ का अर्थ कह रहा है कि सभी का धर्म क्या है, अनेक है, यानी कि अलग अलग है, लेकिन सार, सार का अर्थ होता है मुख्य बात, पर मुख्य बात वही है। क्या बात है, देखिए, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। पंथ मतलब रास्ता, रास्ता सबका निराला है, निराला मतलब अनोखा है, लेकिन सबकी मंजिल यानी कि लक्ष्य क्या है, सबका लक्ष्य क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हम पांच पैराग्राफ में देखते हैं कि यहाँ रंग रूप वेशभूषा, और दूसरे में पक्षी के बारे में, उसका बोली फूल है और गुलाब का है, जूही है, चंपा है, या फिर पक्षी हो गया या फिर नदी हो गया, सभी अलग अलग हैं, लेकिन सब में लास्ट में यही कह रहा है कि सब क्या हैं, एक हैं। उसी प्रकार से हम लोग सभी लोग जितने भी भारत में रहते हैं, सबका वेशभूषा, रंग रूप, बोली, सब क्यों ना अनेक हो, लेकिन सबसे मुख्य बात यही है कि हम लोग सभी भारतवासी क्या हैं, एक हैं। ठीक है, तो यही हमारा इसका अर्थ था। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय। ओके।